नमस्कार, मैं अभिषेक चित्रां सिटी न्यूज बरेली में आप सभी का स्वागत करते हैं। तो आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खबरों। आपका स्वागत है, मैं हूं धीरेन्द्र सिंह। बात करते हैं अभी हम उत्तर प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल जी की, जिनको अभी दो तीन दिन पहले ही कोरोना संक्रमित पाया गया था, जिसके बाद उन्हें और उनके परिवार को बरेली के एक बड़े अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अब उसके बाद उनके कार्यालय में भी हड़कंप मच गया है, क्योंकि कई कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं जाँच के दौरान। अब देखना यह है किस तरीके से ये संख्याएं बरेली में कम होती हैं, क्या बरेली प्रशासन इसको नियंत्रित करने के लिए कोई बड़े कदम उठाएंगे, क्या स्वास्थ्य विभाग इसके लिए कड़ी मशक्कत करेगा। ऐसे ही जानकारी मिली कि कार्यालय के कर्मचारी संक्रमित हो गए हैं, वैसे ही आप देखें विभाग ने बैरिकेडिंग लगा दी है, लेकिन कुछ ऐसी कमी रह गई है। जो बैरिकेडिंग पूर्ण रूप से लग तो गई, लेकिन वो रुक नहीं पाई है। मैं कैमरामैन से चाहूँगा थोड़ा सा ज़रा बैरिकेडिंग के विषय में थोड़ा सा दिखाएं। अभी जानकारी में प्राप्त भी हुआ है कि शायद कोई करीबी भी उनका अभी सस्पेक्टेड है, उसको भी यहाँ से ले जाया गया है। क्या अब कालीबाड़ी एरिया में सैनिटाइज कराकर पब्लिक को सेफ करा जाएगा, क्या यहाँ पर ट्रैफिक व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के बाद रोका जाएगा। बरेली के महानगर महामंत्री जी के पास बात करते हैं उनसे, जिस तरीके से बरेली जनपद में कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है, कम होने का नाम नहीं ले रहा, इस पर वो क्या कहना चाहेंगे। सर, क्या कहेंगे इस विषय में? ये हमारे महानगर बरेली वालियों की थोड़ी सी गलतियाँ हैं, जो कि वो मास्क खोले हम भीड़ में बाजार में जा रहे हैं, उन सबसे मेरा आग्रह है भीड़ वाली जगह बिल्कुल मत जाओ। ये महामारी बरेली में एक प्रकार से बहुत उसमें रूप ले चुकी है। ये मेरा सभी कालीबाड़ी वालों से सबसे आग्रह मेरा ये है महानगर वालों से, कि वो घर से जब निकलें मास्क लगाकर निकलें, दो गज की दूरी बनाकर चलें, ये प्रिकॉशन है। इसका कोई दवा दारू का मुख्य इलाज का जो है मास्क, दो गज की दूरी, हाथ सैनिटाइज, अगर ये है तो कोरोना आपसे आपके पास कभी नहीं आएगा। क्या मानते हैं सर, जनपद में जिस तरीके से भीड़ जो है चरम पर है, तो उसके विषय में क्या मैसेज देना चाहेंगे प्रशासन को? इसमें थोड़ी सी गलती प्रशासन की भी हो रही है, कि प्रशासन जो इससे पहले लॉकडाउन हुआ था वो सतर्क था, जगह जगह निकलने वालों, हर चौराहे पर निकलने वालों पूछ रही थी। प्रशासन कुछ निष्क्रिय हो गया है, उसका कारण है कि जगह जगह भीड़ है, भीड़ का के कारण कोरोना अटैक कर रहा है। ये सर, स्वास्थ्य विभाग का क्या रोल मानते हैं बरेली? स्वास्थ्य विभाग तो इसमें हमारा देवता के तुल्य रूप में कार्य कर रहा है, लेकिन अब कुछ कमियां हो जा रही हैं, लेकिन वो चूँकि हमारे इस समय देवता के रूप में वो लोग कार्य कर रहे हैं, ऐसी ऐसी जगह जा रहे हैं वो लोग, तो उनके विषय में तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। बहरहाल कुछ कमियाँ हैं, उसका सुधार होना अति आवश्यक है। कुल मिलाकर महामंत्री जी का कहना है घर पर रहें, सुरक्षित रहें, बेवजह घर से ना घूमें। कैमरा पर्सन कशिश याद, मैं धीरेन्द्र सिंह, सिटी न्यूज बरेली। लेटेस्ट खबरें और लेटेस्ट न्यूज के लिए आप हमारे चैनल सिटी न्यूज बरेली को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें, और साथ साथ हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर दें। मैं अभिषेक चित्रांश आपके साथ नेक्स्ट वीडियो फिर मिलूंगा, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।